कोरोना महामारी को चलते चलते 2 साल हो गए हैं। 2 साल में लोगों ने काफ़ी कुछ खोया है ना, अभी तक वो मानसिक रूप से उभर भी नहीं पा रहे हैं। इसमें लाखों लोगों ने जन हानि धन हानि सब कुछ झेला है। इसके बाद हम एक तबके को तो भूल ही जाते हैं, एक वो तबका है छोटे बच्चे, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप चले गए। कुछ बच्चों के माँ है तो पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है। हम आज ऐसे तबके की बात कर रहे हैं और हम आपको ऐसे तबके से मिलाते हैं कि उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। मम्मी को कोविड हो गई थी वो। अच्छा, तुमको पता है क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी को, दोनों को, दोनों बहनों को पता है क्या हुआ था? उनको कोरोना हो गया। अच्छा अच्छा, पहले क्या हुआ था उनको? खांसी हो गई थी। अच्छा, अच्छा। कोई जगी है रात भर। चल पता बेटा क्या हुआ था? टाइट फाइबर आया था पहले, और एक रात वो जगी रही तो उनको खांसी और उल्टी होने लगी। मैं राघवेंद्र शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला शिवपुरी। अभी कोविड के इस कठिन दौर में अक्सर देखने में आया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खोया है। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। ये तमाम बच्चे अनाथ की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें ऐसे बच्चों के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पूरे तरीके से, और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ की है। ऐसे बच्चे जिन्होंने इस संकट की घड़ी में, इस आपदा के दौर में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से उन बच्चों के साथ खड़ा है। उन बच्चों को हर स्तर पर मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे बात बच्चे की शिक्षा की हो, सुरक्षा की हो, आर्थिक सहयोग की हो, उनके विकास की हो, विकास के समुचित अवसर उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ हुई है, उस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु पहले हो चुकी थी, एक अभिभावक की मृत्यु अभी कोविड के दौरान हुई है, ऐसे बच्चों को सहयोग करने के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की बात और बच्चों को हर महीने निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की गई है, और प्रारंभ से लेकर के ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा यदि बच्चे को कोई अन्य आवश्यकता महसूस होती है तो उसको वो भी आवश्यकता उसकी पूरी की जाएगी। वर्तमान में जिले में ऐसे अभी 14 बच्चे चिन्हित हुए हैं जिनको हमने इस योजना से लाभान्वित कराने के लिए जोड़ा है, जिनमें से हम 9 बच्चों को योजना का लाभ दिला चुके हैं और बाकी बच्चों के दस्तावेजों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। अतिशीघ्र ही उन बच्चों को भी हम लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा जिले में 150 से अधिक ऐसे बच्चे भी चिन्हित हुए हैं जिनके माता पिता दोनों में से किसी एक की डेथ हुई है। ऐसे बच्चों को लाभ देने दिलाने के लिए भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। उनको भी हम स्पॉन्सरशिप स्कीम, जो भारत सरकार की एक स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत जोड़ेंगे, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के साथ उन्हें आर्थिक सहयोग 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। हम उस स्कीम से लिंक करने का के प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही हम सामाजिक संस्थाओं, उद्योग जगत के लोगों से, धनिक लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए वो आगे आए। फिक्र करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो अगर वो हमारी आंखों से ओझल हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, परियोजना अधिकारी हैं, अगर उनकी नज़रों तक वो लोग नहीं आ पाते हैं बच्चे, तो उसमें हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि वो बच्चों के लिए कार्य करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसका नंबर 1098 है, अगर उस नंबर पर हमें सूचना देते हैं तो निश्चित रूप से हम उन बच्चों को इन योजनाओं से लिंक कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों की मदद के लिए सभी लोग आगे आए और इन बच्चों को जो अनाथ की श्रेणी में पहुंच गए हैं उनको हम विकसित करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें।
गंगा चौहान। तो दीदी आपके बच्चों की देखभाल कौन कर रही है? अब मैं कर रही हूँ जैसा बन रहा है, मेरे खुद ही परेशानी में जो भी बन रहा है। जो के लिए चेक दिए गए हैं 17,000 का। मेरा इस वीडियो देखने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हार्दिक निवेदन है कि अगर आपको अगर ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो इस पर जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके उन बच्चों की मदद करें। मैं लक्ष्मी गर्ग, इंडिया आर्नट के लिए।